हाय स्टूडेंट्स, सिंपल सा एक डाउट है। एक्टिव एंड पैसिव होता क्या है? पढ़ते तो सब है। तो एक्टिव एंड पैसिव का संबंध सीधा सीधा होता है क्रिया से, और क्रिया किससे संबंधित होती है? वो होती है सब्जेक्ट से। इसका मतलब एक्टिव पैसिव का डायरेक्टली संबंध है सब्जेक्ट से। इतनी बात समझ में आया? क्योंकि जहां पर कोई सब्जेक्ट एक्टिवली पार्टिसिपेशन करता है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जहां पर कोई भी सब्जेक्ट पैसिवली पार्टिसिपेशन करता है उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। जहां पर कर्ता स्वयं अपनी इच्छा से कार्य करे उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, जहां पर कर्ता अपनी इच्छा से नहीं जबरदस्ती से काम करे उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। लेट्स टू एग्जांपल, आई प्ले क्रिकेट, ये एक्टिव में लिखा हुआ है। मैं स्वयं खेलता हूँ क्रिकेट, मैं खेलने जाता हूँ। तो पैसिव इसका बनाया गया कि क्रिकेट इज प्लेड बाई मी, क्रिकेट खेला जाता है। अब यहां पर बोलने पर भी आपको ये समझ में आएगा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड या क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट को खेला जाता है, तो क्रिकेट शब्द के ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा और बाय मी इस पर प्रेशर नहीं आएगा। फिर सेकंड एग्जांपल है, द मदर प्रिपेयर्स टी, प्रिपेयर्स टी कौन कर रहा है? मदर। अब उसका जब पैसिव बनाया गया टी इज प्रिपेयर्ड बाय मदर, जब बाय करेंगे उसके बाद जब मदर बोलेंगे तो मदर बोलते समय आपका जो टोन होगी वो डाउन हो जाएगी, और यही है इफेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का इफेक्ट जहां कम है वहां पर हो गया वो पैसिव, जहां पर ज्यादा वहां हो गया वो एक्टिव। थैंक यू सो मच।